ये भूख लगी नहीं फिर अभी चांद कहाँ निकला है, भूख भी लगी होगी तो बंदा क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ सुबह सुबह, और सुबह सुबह इसलिए क्योंकि आज है करवा चौथ। तो करवा चौथ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी और हमारी फैमिली की तरफ से। तो भाई धूमधाम से मनाइए, प्यार से रहिए। और आज के दिन कैसा, सुबह सुबह उठते हैं तो हम जब द्वार लांघते हैं तो नारियल तोड़ के ही हम बाहर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शुभ होता है। तो ये काम हमारे पतिदेव करते हैं, आपको मैंने बताया ही। तो अब चलते हैं फटाफट से नारियल तोड़ते हैं, और क्योंकि इस दिन हम होते हैं लक्ष्मिया, तो अब चलते हैं फटाफट से नारियल तोड़ते हैं। इस दिन क्या बाकी दिन क्या होते हैं फिर? बाकी दिन आप जो भी बना दो, काली माता, दुर्गा माता, आज के दिन तो लक्ष्मी ही होते हैं। तो चलिए पतिदेव, ये देखिए आपके नाम की मेहंदी है ना, इतनी चढ़ी मेहंदी वाली चलेगी नहीं मेहंदी। क्या चढ़ी ना? अभी तो कम चढ़ी है पगलू, अभी तो जस्ट छुड़ाया मैंने, अभी देखना दोपहर तक। बॉडी तैयार हो रही है नारियल ये नारियल तोड़ने के लिए पुशअप लगाए जा रहे हैं। एक बार में तोड़ लोगे? थोड़ा सा छील के तोड़ो ना, टूटेगा नहीं, इतना मोटा इसका ये है ऊपर का प्लस, यहाँ पे पड़ा देखो, इससे वो करके थोड़ा सा निकालो। तो चलो भाई, अब बाहुबली तोड़ेंगे नारियल। चलो ये बस रख दो, रख दो। तो गाइस बज गया है अभी 11, और अभी तक कुछ किया नहीं। सोचो सुबह से उठ के हम लोग उठे 8 बजे, इतने थक गए थे कि नींद ही नहीं खुली। तो अभी बज रहे 11, अब चलते हैं फटाफट से नहा धो के एकदम से रेडी होते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हम कैसे रेडी हुए हैं। तो है गुड मॉर्निंग, मेरी गुड मॉर्निंग तो अभी हो रही है, बज रहे हैं अभी 12, शुक्र अभी 12 नहीं बजे, अभी गुड मॉर्निंग ही चल रही है। ये अभी तक तैयार ही नहीं हुई लड़की, देखो यानी कितना तैयार हो रही है, अभी तक हो ही रही है, 12 बज गए, आधे पे ही दिखा दिया ये, अभी तो बाकी है सारा। क्या क्या किया हुआ इसको, अभी तो क्या क्या बाकी है वो, अभी और बाकी है, अभी और बाकी है, 12 बज गए अभी और बाकी है। एक ही दिन तो रहता है, उसमें भी आप लोग बोर हो जा रहे हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं तैयार होने के बाद आपको। तो गाइस इनको देखो, बोलो ना कुछ डालने को, अंगूठी पड़ी है, चेन पड़े हैं, सारे पड़े हैं, लेकिन कोई चीज इनको डालना है नहीं, जबरदस्ती डलवाना पड़ता है। डाले और सोने का, सोना क्या, सोना क्या, सोना मतलब खाली चांदी डालनी है, फिर सोना चांदी चमन पलाश हो जाएगा, हरामी हो बेटा, चमन पलाश भी चाहिए होगा। कहाँ का दिमाग लाते हो, दिमाग है भी आपके पास, तुम बोल रहे सोना चांदी चमन पलाश हो जाएगा, फिर तो मिक्स हो जाएगा, एक ही चीज डालता हूँ। यहाँ पे देखो अब लग रहे है ना जैसे नई नई शादी करके आए हैं। वैसे तो ठीक है, तो इतनी सुंदर भी लग रही है आज, सच में सच में। तो ये सिंदूर लगाया भर भर के से लग रहा है, ले खाली सिंदूर दिखा, मेरे इसमें खाली सिंदूर दिखा आपको, तो और क्या दिखा, जो नई चीज दिखी वही बोलूंगा। हाय हाय हाय, नई चीज पहनी नहीं आज, क्या नई चीज पहनती नहीं है सिंदूर? अरे मतलब लगाती थोड़ा, इतना से लगाती है, लगा लो ये ऐसे 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 बस आज भर भर के लगा रहा है। ये देखिएगा इनके नाम का सिंदूर, मतलब क्या बोलते हैं, आदमी लोग को औरत जब सिंदूर मांग भर भर के लगाती तभी क्यों अच्छी लगती है, वैसे क्यों नहीं अच्छी लगती है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बाहर क्योंकि मम्मी को देने के लिए हमने भी चाहिए नारियल चाहिए जो भी सामान चाहिए वो लेने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे गुड्डू देखो आगे आगे भाग रहे हैं। आज तो कम से कम पल्लू पकड़ लो। ओ गुड्डू आज तो कम से कम पल्लू पकड़ लो। आज पहली बार हम दोनों देखो पैदल जा रहे हैं यार पैदल। अरे लेकिन मैं तो सोची आप बाइक से चलोगे। यहीं पे जाना है। नहीं करे लेने के लिए तो आगे जाने ही पड़ेगा। तो चलो चलते हैं मनी के पास। तो इनको देखो आपने आता है देखना तो? अच्छा कहाँ कहाँ करवा चौथ मनाए थे पहले ये बताओ। ये फंस गया सी है। इधर देखो इधर इधर देखो कहाँ कहाँ मनाए थे पहले। खत्म बाय बाय टाटा। मुझे तो अब डाउट हो रहा है गुड्डू। चलो पकड़ो मैं देखता हूँ कितने का है। तो गाइस नारियल ऐसा मिला ना कि उसमें एक बूंद पानी अरे पति उल्टा हो गया मेरा भाई। एक बूंद उसमें पानी नहीं था। तो अभी हम जा रहे हैं दूर कहीं। इतनी ठंड हो रखी है गुड्डू फिर भी बाइक कैसी जल रही है। ठंड कहाँ हो रखी है। अरे नहीं हो रखी रात को चादर ओढ़ के सोते हैं। रात को भी रात को ठंड होती है अभी। अब हम जा रहे हैं थोड़ा दूर। भाई सब करवा चौथ मना रहे हैं सब बैठ रखे हैं। पापा सुबह से लगे हैं खाना नहीं खाना। मैंने चार बार आपको बुलाया खाना खाने के लिए। करना तो पड़ेगा ना थोड़ी देर बाद कर लेना। ये कौन सा आज पहनना है। मेरी तो छुट्टी आज ही है ना। छुट्टी है पापा लेकिन आप भी तो हमारे साथ चलो एंजॉय करो ऐसा बैठो। आप लगे पड़े हो इसमें खाना तक नहीं खाना भी नहीं खा रहे हो। खाना खाना जरूरी है कि काम करना पहले खाना ना ताकत आएगी तभी ना काम करेंगे। सवेरे खाया है दो बज के गए। बच्चे कहाँ गया उसको बुलाओ फिर गिरा। बच्चे कोई नहीं है कौन है आप ही हो बस। मुझे देखो गुड्डू कहाँ गया। गुड्डू खा के गए अभी। मुझे देखो हाँ। ए बाप रे कपड़े का सत्यनाश सारे कपड़े खराब कर देगी जिया। इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनी है क्यों ऐसा करे बाबू। इतनी क्यूट लग रही है और तू ऐसे स्लिप कर दी कितनी गंदी है। इतने सारे मिट्टी मिट्टी पड़ रखी। इतनी क्यूट क्यूट बच्ची बन रखी है और इसके बाद सारा कपड़ा खराब कर लेगी। चल खाना खाएगी पिंकी हाथ। तो गाइस हम मम्मी तैयारी में लग गए क्योंकि पूजा हमारे यहाँ जो 4-5 बजे पूजा हो जाती है करवा चौथ की। तो अभी मम्मी तैयारी में लग गए अब चलते हैं फटाफट से। मम्मी ने बोला है फूल लेके आना सबके थाल में फूल रखते हैं। इसके बाद फिर हम पूरा थाल तैयार करेंगे। इसके बाद हम रेडी होएंगे फिर हम जाएंगे पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए यहाँ पे सारे फूल तोड़ के लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पेड़ से इतने फूल हमें मिले। तो गाइस खुशी हो चुकी है रेडी मतलब अभी हो रही है धीरे धीरे। सुबह 12 बजे से लेकर रेडी हो रही है। अभी टाइम हो रहा है 5। तो ये देखो खुशी ये टन टन है। मस्त लग रही है एकदम। इसमें तो चलो बाहर दिखाओ। बाहर दिखाओ मतलब ऐसे दिख नहीं रहा है ना। चल ले गब्बरू का नाम क्या अच्छी लग रही हो। सच में तो गाइस आप कमेंट करके बताना कैसी लग रही हो। आप सच बताना या तो मैं बुरी भी लगूंगी तभी बोलेंगे अच्छी लग रही क्योंकि बीवी हूं ना। मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हल्का हंस। तब चलते हैं फटाफट से पूजा होने वाली है स्टार्ट। 4 बजे बोले थे 4:30 हो गए। अब चलते हैं पूजा करके आते हैं फिर रात का आपको रात को दिखाएंगे। गाइस देखो मैं और मम्मी सेम लग रहे हैं। हल्का सा फर्क है थोड़ा सा फर्क है खाली बाकी सेम लग रहे ना। मम्मी देखो मम्मी को भी नजर ना लगे सही तो तुझे नजर ना लगे।
तो चार बजे बोलते टाइम हो गया, फटाफट गुड्डू फोटो निकाल दो। मुझे क्यों बुलाया जल्दी? तो यहाँ पे देखो मम्मी ने थाल रेडी कर दिया है पूरा एकदम पूजा के लिए। चल आ जा। पिछले साल तो सौ महले बना के दिया था, अब इस साल से तू आपने बनाएगी ना तभी तेरे को बता रहे हैं। देखा ये दीवा तू बनाएगी, चीनी चावल तू डालेगी, रख पाले अपने थाल अपने रेडी करते हैं। इधर इधर को बुलाड़ा उधर को उधर रखेगी, उधर रखेगी यहाँ उधर रखेगी। ये मूर्ति तो यहाँ पे मम्मी ने सिखा दिया मुझे। मम्मी बोल रही है अगले साल मैंने रेडी करके दिया था, इस साल तुम जिया बाल मेरे बाबू। तो इस साल मम्मी रेडी करके बता रहे ताकि अगले साल से हम रेडी करें। तो अगले साल से हम ही रेडी करेंगे मम्मी। तो गाइस 4 बजे पूजा होने वाली थी और अभी बज गए 5 क्योंकि हम जाते थे जहाँ आंटी जी के यहाँ, वहाँ वो शायद थोड़ा काम है बिजी या थोड़ा लेट चालू होगा क्योंकि वो पंडित है भाई, मुहूर्त देख के ही वो करते हैं। तो अभी टाइम थोड़ा बोले कि थोड़ा और बढ़ गया है, 5:30 बजे से पूजा स्टार्ट होगी और हम यहाँ रेडी होके बैठ गए। क्या भद्रु, अच्छा भद्रकाल लगा है, अच्छा भद्रा लगा हुआ है इसकी। आइए आपका इंतजार था। वाह वाह वाह, लाइन सर एकदम लाइन, सबसे बड़ी दो नंगे पैर ही आएंगे अज। अभी कहीं जा रहे हो? हाँ जी जा रहे हैं। Thank you.
अपराध का फल मुझे मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। सरदार भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित होगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक बारह माह के चोट और ब्रह्मा शिवा।